नमस्कार। आज हम चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को पढ़ेंगे 10th क्लास में। तो यहाँ पर इसका वेटेज है, एक एक नंबर के दो क्वेश्चन आएंगे और 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो था क्यूबॉइड मतलब घनाभ, घन और सिलेंडर, इसके बाद शंकु और वृत्त गोला। सबसे पहले हमें पुराने फार्मूले सूत्र वही है जो होते हैं घनाभ। तो घनाभ का टोटल सरफेस एरिया होता है पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया, इसका फार्मूला होता है एल इंटू वी प्लस वी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, जहां एल घनाभ की लंबाई, बी उसकी चौड़ाई और एच ऊंचाई। इसी प्रकार घन, घन में प्रत्येक भुजा समान होती है, घन में प्रत्येक भुजा समान होती है। तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठ हुआ मतलब एल इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच, तीनों बराबर हो गए तो घन का संपूर्ण पृष्ठ हो गया a इंटू ए। एल की जगह भी हम यदि भुजा a ले लें तो a प्लेस करते हैं, b की जगह भी a प्लेस करें और c की जगह भी h की जगह भी a प्लेस करें। तो घन का टोटल सरफेस एरिया आया 6a स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 4a स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया हम कब निकालेंगे, जैसे हमने किसी कमरे की दीवारों की पुताई करनी है तब लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं पास पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। उसके बाद होता है घन का वॉल्यूम, घन का आयतन होता है a क्यूब। इसी प्रकार आता है सिलेंडर, सिलेंडर में जिसको हम बेलन बोलते हैं, तो बेलन का वक्र पृष्ठ एरिया मतलब जो सीधे सीधे कर्व होती है उसको जो गोल होगी उसका टोटल वक्र पृष्ठ एरिया होगा बेलन का 2πRh वर्ग इकाई। टोटल सरफेस एरिया पूर्ण संपूर्ण पृष्ठ बेलन का होता है 2πR मतलब इंटू आर प्लस एच, या हम कहें तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस घन का अपर पार्ट जो कि वृत्त होगा वृत्त का क्षेत्रफल और घन का लोअर पार्ट जो भी वृत्त होगा उसका क्षेत्रफल। तो दोनों को जोड़ दो, अपर पृष्ठ और लोअर पृष्ठ, लोअर पृष्ठ हो गया घन का संपूर्ण पर। इसी प्रकार हम देखें ये फिगर्स जिनके सूत्र हैं, घन घनाभ पहला, घनाभ का आयतन होता है एल इंटू बी इंटू एच, ये अच्छे से कर लें सूत्र, यहाँ एक एक नंबर के सूत्र में आएंगे। लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस या कर्व सरफेस एरिया होता है जी टू इंटू टू एच इंटू एल प्लस बी। इसमें हम क्या करते हैं, ऊपर के और नीचे के पार्ट को छोड़ दिया जाता है। टोटल सरफेस एरिया पूरा टू टाइम्स ऑफ एल बी इंटू एल बी प्लस बी एच इंटू एल एच, लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई प्लस लंबाई इंटू ऊंचाई। इसी प्रकार घन का आयतन होता है ए क्यूब, वक्र पृष्ठ एरिया पास पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a स्क्वायर और संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a स्क्वायर। इसको अच्छे से देखें, एमपीएस राजनगर छतरपुर। फिर आता है बेलन, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, लेटरल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया 2πRh और संपूर्ण पृष्ठ होगा पाई आर इंटू एल प्लस आर। इसी प्रकार होता है कोण, शंकु, शंकु का आयतन होता है 1 अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल और संपूर्ण पृष्ठ है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर मतलब वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। जो वक्र पृष्ठ है शंकु का पाई आर एल और आधार का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर।
इसी प्रकार गोला, गोले में आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का लेटर सरफेस एरिया प्लस सरफेस एरिया होता है 4πr² और टोटल सरफेस एरिया होता है लेटर सरफेस एरिया ये 3πr², पूर्ण सरफेस होता है 4πr². इसी प्रकार अर्धगोले का आयतन होता है 2/3πr³, वक्रपृष्ठ 2πr² और संपूर्ण पृष्ठ होता है πr². तो अब हम इनसे 10th क्लास में हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो इस प्रकार है कि दो आकृतियों को ड्राइंग किया है, या तो दोनों घन हो सकते हैं, दोनों घनाभ हो सकते हैं, या शंकु हो सकता है, अर्धगोला हो सकता है। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है एमपीएस राजनगर छतरपुर, यहाँ ठीक से देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 13.1, पहला क्वेश्चन, दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 cm³ है के संलग्न पलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। दोनों घनों के संलग्न पलकों को मिलाकर हमने एक ठोस बनाया, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब हमने दोनों घनों को जोड़ा, यहाँ पर हमने एक घन के ऊपर दूसरा घन रख दिया, जब एक घन के ऊपर दूसरा घन रखा तो इसकी लंबाई क्या हो गई? सबसे पहले हमें घन का आयतन दिया है, दोनों घनों का आयतन दिया है 64 cm³ घन का आयतन। तो घन के आयतन का सूत्र क्या है? छतरपुर से बताएं, राजनगर छतरपुर, घन के आयतन का सूत्र। तो घन का आयतन होता है ए क्यूब, मंसूर एमपीएस मंसूर, घन के आयतन का सूत्र एमपीएस मंसूर। तो घन के आयतन का सूत्र होता है ए क्यूब या भुजा का क्यूब। यहाँ पर हम 64 को लिख सकते हैं। हाँ सर, हाँ, घन का, घन के आयतन का क्यूब, भुजा क्यूब, घन के आयतन का सूत्र, सॉरी, घन के, घन के आयतन का सूत्र। हेलो, हाँ, 4/3 बेटा, घन ए क्यूब, हाँ ए क्यूब, घनाभ का, घनाभ का आयतन सर ए क्यूब नहीं, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और घन का आयतन होता है ए क्यूब। तो यहाँ पर हमारे पास दो घन है, तो घन का आयतन हुआ ए क्यूब, मतलब भुजा का क्यूब, ठीक है। तो भुजा का क्यूब मतलब 64 cm³, तो 64 को हम लिख सकते हैं 4³, 4×4×4, तो घन का आयतन हुआ ए क्यूब, ठीक है, घन का आयतन हुआ ए क्यूब, ए क्यूब मतलब 4³, 4³ कितना, ए क्यूब इज इक्वल टू 4³, तो भुजा आ गई आपके पास, ये मतलब भुजा 4 cm। अब हमें क्या निकालना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र। जब हम दो घनों को एक घन के ऊपर दूसरा घन रखा तो हमारे पास क्या मिला, एक घनाभ बना। तो जो नया घनाभ बना उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 times ऑफ लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई गुणित ऊंचाई प्लस लंबाई इंटू ऊंचाई, 2 times ऑफ एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। अब हमारे पास लंबाई तो वही है 4 cm, ऊंचाई कितनी हो गई, 4+4 8 cm हो गई। तो लंबाई की जगह हमने 4 रखा, ऊंचाई, लंबाई की जगह 4 cm, चौड़ाई की जगह 4 cm और ऊंचाई की जगह 8 प्लेस कर दिया था। इस प्रकार हमने जब मान रखा तो हमारे पास घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 160 cm², ये आंसर है। इसी प्रकार हम आए दूसरे क्वेश्चन पे, कोई बर्तन एक खोखले अर्ध गोले के आकार का है, एक बर्तन, कोई बर्तन जो है वो अर्ध गोले, खोखले अर्ध गोले के आकार का है, जिसका ऊपर
एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तब आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले हमें क्या दिया है? एक बर्तन दिया है जिसका आधार क्या है? अर्धगोलाकार है, अर्धगोला, और उसके ऊपर आपने किसको रखा है? बेलन। तो यहाँ पे देखो, जितना गोले का व्यास है उसी व्यास का बेलन है। तो बेलन का व्यास और गोले का व्यास समान आ रहा है, मतलब बेलन की त्रिज्या आपके पास दी हुई है 7 सेंटीमीटर, व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आ गई 7 सेंटीमीटर। अब बेलन की ऊंचाई, मैं जो बर्तन की ऊंचाई दी है वो कितनी दी है? बर्तन की ऊंचाई दी है 13 सेंटीमीटर। बर्तन की ऊंचाई दी है 13 सेंटीमीटर, तो बेलन की ऊंचाई कितनी हुई? कुल ऊंचाई में से हमने उसकी त्रिज्या माइनस कर दी, तो हो गया 13 माइनस 7, 6 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई। अब बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सी एस ए मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया। सी एस ए मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πRh और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr2। तो मान रख दिया इसमें हमने पाई की जगह 22/7, आर मतलब बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और हाइट, बेलन की हाइट 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार गोले के वक्र पृष्ठ में गोले पाई का मान 22/7 और गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। मान रखा, कैलकुलेट किया, हमारे पास आया 44/7 आ गया, 6+7=13, 44 और 13 का गुणा किया तो आपको मिला 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार बर्तन का जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया? 572 सेंटीमीटर स्क्वायर बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। नोट करते जाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, एक खिलौने गोले को एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाला। अब एक खिलौना दिया है आपको जिसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, और जो खिलौना है वो क्या है? शंकु, शंकु के आकार का है, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आधारित है। तो आपके पास जो क्वेश्चन है, एक 3.5 एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या क्या है? एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, और उसी त्रिज्या के अर्ध गोले के ऊपर रखा गया है। तो जो शंकुकार है, शंकु है, उसको अर्ध गोले के ऊपर रखा है। देखो, नीचे बना हुआ है अर्धगोला और ऊपर उसके ऊपर हमने शंकु को रखा है। इस प्रकार जो खिलौना बना, उस पूरे खिलौने की ऊंचाई आपको दी गई है 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर। तब हमें इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब हमारे पास सबसे पहले क्या दिया है? शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। अब शंकु की ऊंचाई में हम कैसे निकालेंगे? शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए हम जो बर्तन की पूरी ऊंचाई दी है उसमें से गोले की त्रिज्या को माइनस कर देंगे, तो मतलब 15.5 माइनस 3.5 सेंटीमीटर बराबर 12 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई आ गई। अब आया अर्धगोले की त्रिज्या, तो अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या दोनों बराबर है, हमारे पास कितनी हो गई? अर्धगोले की त्रिज्या भी 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें
यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, शंकु की ऊंचाई। तो आप में से किसी को मालूम है शंकु की ऊंचाई, त्रिज्या और त्रिज्या ऊंचाई में रिलेशन? हाँ, जेपीएस मंसूर, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई, ऊंचाई और उसके त्रिज्या में क्या संबंध है? जेपीएस मंसूर, एमपीएस मंसूर, नसरुल्लागंज सीहोर, हेलो शंकु, हाँ जी बोलिए। हेलो सर, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए सर, थोड़ा समझ में नहीं आया। हाँ, ये बोल रहे हैं शंकु की त्रिज्या ऊंचाई, त्रिज्या और त्रिज्या और ऊंचाई में संबंध, आर एच और एल में संबंध क्या है? शंकु की त्रिज्या ऊंचाई, ऊंचाई और त्रिज्या में संबंध। हो गया क्लियर सर? ये समझ में नहीं आया, ये बोल रहे हैं उसको मतलब थोड़ा अच्छे समझे, समझ में नहीं आया। शंकु की देखो, शंकु में देखो। हेलो 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 जी, हेलो हेलो, बागधार से सर? हाँ हेलो बागधार, ये बच्चे सर नाइन्थ क्लास के बैठे हुए। अच्छा अच्छा, ओके, टाइम टेबल के हिसाब से। ओके ठीक ठीक सर, थैंक यू। तो इसमें होता है ये कि समकोण त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है, तो समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंबाई का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंबाई का वर्ग। तो इसको हम बोल सकते हैं h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां से हमने क्या निकाला, त्रिज्या ऊंचाई निकाली अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पे जब मान रखा तो आपको मिला 3.5 सेंटीमीटर का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। तो 3.5 का वर्ग किया तो 12.25, 12 का वर्ग 144, दोनों को जोड़ दिया तो हमारे पास मिला 156.25, उसका वर्गमूल लिया तो 12.5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सर एक मिनट हो गया, और वो वहां से सिद्धार्थ का किसने कॉल किया था, बोल रहे थे कि 9th के बच्चे बैठे हैं सुबह टेंथ का पढ़ा था, 9th टेबल में 9th दिया हुआ है, फिर सेकंड हाफ में 10th दिया हुआ। अच्छा ऐसा था जी। ओके तो हम फिर से आते हैं सूत्रों पे, आते हैं आप ले लीजिए। तो सूत्र पे आते हैं, फिर से आप देख लो, शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच ठीक है। तो बेटा फिर से सूत्र बताते हैं, तो घन का आयतन, घन का आयतन होता है ए क्यूब सेंटीमीटर, घनाभ का आयतन ए इंटू बी इंटू सी ठीक है, इतना कर लेते हैं सर। हाँ जी आज की क्लास थोड़ा सा फिर बताते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में बुला सर। यदि हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी है, यदि हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी है तो घनाभ का आयतन होगा 2 टाइम्स ऑफ एल बी इंटू बी एच इंटू एच एल। हाँ सर पूरा सर, एक शाफ्ट, एक
दवा का एक कैप्सूल पीपीटी है आपका? हाँ पीपीटी जी है, पीपीटी जरूर बनाएंगे कम से कम।